जिला कुल्लू के महाराजा कोठी के धोरा नाला पुल का कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। करीब 6 सालों से इस पुल का कार्य निर्माणाधीन है, लेकिन धीमी गति से चल रहे कार्य के चलते लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पुल का कार्य पूरा किया जाए। धोरा नाला की शिली राजगिरी पंचायत के लोगों को सरकार ने सड़क सुविधा तो दे दी है, लेकिन धोरा नाला से चेष्टा सड़क पर 4 साल पूर्व से बन रहे पुल का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। 2016 में करीब 1 करोड़ रुपए से धोरा नाला पुल का शिलान्यास पूर्व मंत्री स्वर्गीय करण सिंह ने किया था, लेकिन भाजपा सरकार के आते ही पुल का कार्य बंद हो गया। इसके बाद लोगों ने पुल के निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग को अवगत करवाया, लेकिन पुल का कार्य इतनी धीमी गति से हुआ कि आज भी पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल को लेकर राजनीति हो रही है। करीब 15 गांव के सैकड़ों लोगों को सड़क सुविधा तो मिल गई, लेकिन धोरा नाला में पुल नहीं बन पाया है। ग्रामीणों ने कई बार लोक निर्माण विभाग से मांग उठाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। स्थानीय ग्रामीण संजीव का कहना है कि इस पुल के बनने से शगार, चेष्टा, बाखली, पीची, खारका, शेलगी, कावा शांगली, कोट सहित अन्य पंचायतों के लोगों को लाभ मिलना है। अगर प्रशासन जल्द ही इस पुल का निर्माण कार्य पूरा करता है तो लोगों को पीठ पर बोझा नहीं उठाना पड़ेगा और बरसात के दिनों में उन्हें नाले का डर भी नहीं सताएगा। हम तो यही, मैं तो दुकान करता हूँ यहीं पे, तो हमने तो देख रहे हैं, जब से हम दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे तो लगभग 6-7 साल हो रहे हैं इस पुल को ऐसा ही पड़ा हुआ है। और कोई नहीं, कभी ठेकेदार आता है, कभी विभाग आते रहते, मगर मतलब काम का कोई नहीं है, काम नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है बरसात के टाइम में लगभग पूरी खड़ा जाती है, यहाँ के लोगों को फल सब्जियां जो है, सेब जो है यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, नदियां पार करनी मुश्किल हो जाती, इसलिए जो है हमारी यहाँ पर जो है हर विकास के जो कार्य है, जो लोगों के काम जो है वो रुक जाते हैं। ये तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, और हम खुद बोलना चाहते हैं कि भाई इसका काम जो है अति शीघ्र कराए, विभाग से भी निवेदन करते हैं कि भाई इसका काम जो जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा प्राप्त हो। मेरा नाम संजीत है, मैं यही ऊपर गांव से हूँ। यहाँ 6 सालों से पुल का काम, 6-7 सालों से पुल का काम चला है, इस पुल का खत्म होने का कोई नाम ही नहीं है। ये लगभग टिक टिक के कभी कभी काम होता है इसका, कभी ठेकेदार आता है, कभी नहीं आता है, जिससे हमें यहाँ से खड्ड क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आती है। खासकर जब सेब का सीजन चला था उस टाइम हमें ज्यादा ही दिक्कत होती है, क्योंकि हमें नदी क्रॉस करके रोड के लिए सेब ले जाने पड़ते हैं। इसलिए मेरा विभाग से ये निवेदन है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसका काम जल्दी से जल्दी किया जाए। जी, इसके आश्वासन में मैं यही कह सकता हूँ कि सरकार आती रहती है, वो बोलते आश्वासन देते रहते हैं कि पुल का काम हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता ये होगा, इसलिए सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर के रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।